வந்தே குரு பரம்பராம். ஜனனி ஜன்மபூமிஷ்ட ஸ்வர்காதபி கரீயசி. அயோத்தியா மே ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபு கே கிருபா கே கரண் ஜன்மஸ்தான் மே பவ்ய மந்திர் கா உத்காடன் கா காரியக்ரம் உத்தராயண் மே லோகிக் ஜனவரி 22 தாரீக் கோ தேவதார்பண் பக்தார்பண் லோகார்பண் கா காரியக்ரம் ஹோனே கா ஹை. இஸ் காரியக்ரம் மே யஜ்ஞசாலா கா பூஜன் பி ஷுரு ஹோனே கா ஹை. காசி ஸ்தித் அச்சே வேதிக் வித்வான் லோ கணேஷ் சாஸ்திரி திராவே எவம் லட்சுமிகாந்த தீட்சித் ஜி கே நேதிருத்வ மே 100 से अधिक अच्छे विद्वत जो लोग वहां यज्ञशाला का पूजा का हवन का कार्यक्रम शुरू करेंगे. इस निर्माण कार्यक्रम में अनेक सालों से 500 वर्षों से साधक प्रयास और विशेष करके वर्तमान सरकार के अध्यक्ष लाल मंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी विशेष करके भारत के तीर्थ क्षेत्रों का विकास में श्रद्धा रखते हैं. केदारनाथ में और विश्वनाथ जी का काशी में मंदिर का अभी प्रांगण का विस्तार उन्होंने किया है. अभी रामनाथ जी का मंदिर का निर्माण और स्वयं उसपे एक सनातन परंपरा के जो विश्वास है स्वयं नवरात्र में उपवास इत्यादि करते हैं वैसे उन्होंने भी इस कार्यक्रम में अपने भक्तिभाव के साथ और नियम निष्ठा के साथ भाग ले रहे हैं तथा राजा तथा प्रजा इसके जो भी आस्तिक है अपने धर्म के प्रति अपने शास्त्र के प्रति अपने संस्कृति के प्रति अपने सदाचार के प्रति अपने मानवता मूल्यों के प्रति जो आस्था है विश्वास है उसमें सब लोग भक्त लोग संत लोग और सब लोग इस कार्यक्रम में जैसे जैसे भाग ले सकते हैं ऐसे जो 22 तारीख से जो शुरू होने का जो कार्यक्रम है तब से 40 दिन का ये कार्यक्रम है. महाशिवरात्रि के पहला दिन तक अर्थात मार्च 7 तारीख तक ये वैदिक अनुष्ठान का कार्यक्रम है. उसमें अनेक राज्यों से भी भक्त लोग आकर के सरकार समाज और संहिता सब लोग एकत्रित होकर के भव्य कार्यक्रम का आयोजन और संचालन निर्विघ्न के साथ देवता अनुग्रह के साथ गणेश जी का अनुग्रह के साथ निर्विघ्न होकर के ये जो अपने गुरुजनों का जो प्रयास है संकल्प है विशेष करके भगवान का रामचंद्र प्रभु का जो भी संकल्प है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ऐसे रामचंद्र जी का वचन है. ये उनका जो इच्छा है ये भक्तों को ये सौभाग्य मिला है राम जी का कृपा लेने का. वैसे वहां जो भव्य मंदिर जन्मस्थान का राम जन्मभूमि का जो भी मंदिर है देवानाम पूर्ण अयोध्या ऐसे वेदों में जो कहा है वैसे भव्य मंदिर में अनेक धार्मिक सामाजिक कला संस्कृति का कार्यक्रमों के द्वारा भारत का धार्मिक उन्नति के लिए दिव्य भारत का
व्यास भारत का निर्माण के लिए डिजिटल इंडिया हो रहा है, डिवाइन भारत के लिए ये कार्यक्रम उसका प्रेरणा स्रोत होगा। राम जी का अनुग्रह से सबका कल्याण होना, सबका आरोग्य होना, सभी लोगों के बीच में मैत्री और सौजन्य होकर के भारत विश्व गुरु होने के लिए ये शक्ति प्रदान करना। उसमें जो जो भाग ले रहे हैं विशेष करके सबका भी परिवार का आशीर्वाद प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें।